लेंस एंड विश यू अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। एंड उम्मीद करती हूँ कि ये पेंडेमिक जल्दी से थम जाए एंड सभी चीजें पहले की तरह नॉर्मल हो जाए। एंड तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी गाइस। तो चलिए आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग सा चीज के बारे में। आपने सुना ही होगा बहुत सारे पॉपुलर हेयर केयर एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स में विटामिन ई का यूज किया जाता है एंड स्पेशली बेबी केयर प्रोडक्ट्स में विटामिन ई का यूज किया ही जाता है। आप उन प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट्स लिस्ट भी चेक कर सकते हैं। विटामिन ई आपके स्किन, हेयर एंड नेल के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ये आपके ड्राई डैमेज स्किन को एंड हेयर को रिपेयर करने में बहुत मदद करता है एंड ये आपके स्किन एंड हेयर को मॉइस्चर भी प्रोवाइड करता है। तो ये आपके स्किन के जो फ्री रेडिकल्स है उसे कम करने में बहुत मदद करता है। फ्री रेडिकल्स आपकी जो स्किन के एजिंग प्रोसेस होती है उसे फास्ट करने में बहुत मदद करता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन पर दाग धब्बे एंड रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं। एंड विटामिन ई आपको इसे कंट्रोल करने में बहुत मदद करता है। विटामिन ई में होता है बहुत सारे एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज जो आपके स्किन के एजिंग को रोकने में मदद करता है एंड इसमें होते हैं बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट जो आपके स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है एंड स्किन को ग्लो करने में मदद करता है। तो चलिए विटामिन ई कैसे आपको मिलेगा ये बताते हैं। विटामिन ई आपको कोई भी नियर बाय केमिस्ट शॉप पर इजीली अवेलेबल हो जाएगा। विटामिन ई होता है दो फॉर्म में, एक होता है विटामिन ई का ऑयल एंड दूसरा होता है विटामिन ई का कैप्सूल। एंड मैं पर्सनली कैप्सूल ही यूज करती हूँ तो मैं आपको कैप्सूल ही सजेस्ट करती हूँ। तो मैं यहाँ पर एवियन का कैप्सूल यूज करती हूँ, इसका नाम है एवियन 400 एंड इसका जो प्राइस है ये है 30 रुपीज। ये आपको 30 रुपीज में 10 कैप्सूल मिल जाएगा एंड इसे यूज करना बहुत ही ज्यादा आसान है। इसमें से एक कैप्सूल आपको निकाल लेना है, देन एक पिन की मदद से इसे प्रिक कर लेना है या फिर आप इसे सीजर की मदद से काट कर इसका जो अंदर का ऑयल है इसे निकाल सकते हैं। देन इसे आपके स्किन पर, हेयर पर एंड नेल पर यूज कर सकते हैं। तो मैं एक चीज बता देती हूँ कि इसे आपको सिर्फ एक्सटर्नली यूज करना है, ना कि इसे खाना है। इसे आपके स्किन, हेयर एंड नेल पर एक्सटर्नली यानी कि बाहर से लगाना है, इसे आपको खाना नहीं है गाइस। इसे खाने से आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती है, इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो प्लीज डॉक्टर के गाइडेंस के बिना इसे मत खाना। एंड ये होता है फैट सोल्यूबल, तो इससे आप मोटे भी हो सकते हैं। चलिए बताते हैं इसे यूज कैसे करना है। या इसे स्किन पर यूज करने से पहले यहाँ पर गर्दन पर एक पेस्टेज जरूर कर लेना, क्योंकि सभी चीजें सभी को सूट नहीं करती एंड आपके स्किन टाइप भी अलग होते हैं। तो इसकी वजह से आप प्लीज एक पेस्टेज जरूर कर लेना, देन इसे यूज करना। तो चलिए बताते हैं इसे यूज कैसे करना। विटामिन ई बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर का काम करता है। आपकी स्किन अगर बहुत ज्यादा ड्राई एंड रफ है तो आप इसका इस्तेमाल जरूर करना। ये आपके स्किन के ड्राइनेस को कम करने में बहुत बहुत मदद करता है एंड ये आपको सन से भी प्रोटेक्शन देता है। आप इस्तेमाल करने के बाद फर्क देख सकोगे। तो चलिए बताते हैं पहले आपके लिप्स के बारे में। लिप मास्क आप इसे यूज कर सकते हैं। एक पिन की मदद से कैप्सूल को प्रिक कर लीजिए, देन एक या दो ड्रॉप आप विटामिन ई का ले सकते हैं एंड इसे अच्छी तरह से आपके लिप्स पर मसाज करके लगा लेना है। ये आपके लिप को स्मूथ एंड सॉफ्ट करने में मदद करता है एंड आपके लिप पर जो डार्कनेस आ जाते हैं इसे भी कम करने में ये मदद करता है। देन बताते हैं ऐसा अंडर आई क्रीम आप इसे कैसे इस्तेमाल करें। आपको एक या दो ड्रॉप कैप्सूल का लेना है, देन एक या रिंग फिंगर की मदद से आपको इसे अच्छी तरह से अंडर आई में मसाज कर लेना है। ये आपके अंडर आई की जो डार्क सर्कल्स एंड पिगमेंटेशन है इसे कम करने में बहुत मदद करता है, क्योंकि इसमें होते हैं बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट। रिंग फिंगर की प्रेशर सबसे सही होती है आपके आई के लिए, तो इसकी मदद से आप इसे मसाज करके लगा सकते हैं। देन आप इसे मॉइस्चराइजर की तरह भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको लेना है एलोवेरा जेल एंड विटामिन ई का कैप्सूल। आपकी स्किन अगर ड्राई
है बहुत, तो आप इसे थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में एलोवेरा जेल के साथ यूज कर सकते हैं। एंड आपकी स्किन अगर नॉर्मल टू ऑयली है तो थोड़ी कम क्वांटिटी में आप इसे एलोवेरा जेल के साथ मिक्स कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे आपके फेस पर अच्छी तरह से लगाकर छोड़ दें। पहले इस्तेमाल में आपको ये स्टिकी स्टिकी जरूर लगेगा, मगर कोई बात नहीं, ये नॉर्मल है, विटामिन ई थोड़ी स्टिकी स्टिकी जरूर है। एंड मेक श्योर गाइस, फेस पर इस्तेमाल करने से पहले आप फेस को अच्छी तरह से धो लें ताकि इसमें कोई धूल मिट्टी ये सब ना रहे। गाइस वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज। एंड अगर कोई भी क्वेरीज हो या फिर वीडियो अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए बताते हैं आपके हेयर केयर के बारे में। हेयर केयर के लिए आपको लेना है प्योर कोकोनट ऑयल 2 टेबल स्पून एंड एक विटामिन ई का कैप्सूल। 2 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल में आप एक विटामिन ई की कैप्सूल को मिक्स करके लगा सकते हैं आपके स्कैल्प पर एंड हेयर पर। इससे आपके हेयर शाइनी स्मूथ एंड सॉफ्ट हो जाएगा एंड ये आपके हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करने में बहुत मदद करता है। इसे रात भर लगाकर छोड़ सकते हैं आप, देन सुबह एक माइल्ड शैम्पू की मदद से धो सकते हैं आपके हेयर को। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही सिंपल एंड इजी टिप्स के लिए मेरे साथ बने रहना, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन करना मत भूलना। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर गाइस। बाय बाय।